अच्छा तो ये हमने एक स्टॉप किया छोटा सा, ठीक है, लेकिन हमने जहाँ पे जाना है ना वो ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक ना क्रॉस का निशान है जहाँ पे हमने जाना, जो हमारी डेस्टिनेशन है ये वाली। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till... क्या आपको पता है पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल काम है? नहीं पता? मैं बता दूं। अच्छा तो जो तकरीबन कोई एक साल पहले की बात है कि जब हम अपने जॉब पे बड़े आराम के साथ काम कर रहे थे कि हमारे मोबाइल की आवाज़ आई, हमने देखा कि हमारे दोस्त ने एक व्हाट्सअप लिंक सेंड की हुई है। हमने पहले तो उसको इग्नोर कर दिया, टोटली इग्नोर कर दिया, है यार अब बाद में देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। फिर अचानक हमें थोड़ा सा टाइम मिला तो हमने उसको चेक किया और उसमें एक रील थी, वाट इंस्टाग्राम रील थी। और जब हमने उसको खोला तो उसमें एक प्यारी सी जगह पहाड़ के ऊपर इतना प्यारा सीन था जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। वो एक बहुत ही प्यारी और दिलकश जगह थी पहाड़ के ऊपर। हमने तो एक बार देखा तो हमारा बस दिल किया कि काम छोड़ के भाग जाए वहाँ से, लेकिन मजबूरी। फिर उसी दिन शाम को हम अपने दोस्तों को मिले और हमने एक प्लान बनाया कि क्यों ना भाई हाइकिंग की जाए उसी पहाड़ पे जो हमने वीडियो देखी है, और उस पहाड़ का नाम था मोंते दुए मानी। तो फिर हम उसी दिन शाम को जब मिले और हमने प्लान बनाया कि भाई इस जगह पे लाजमी जाना है, जो मर्जी हो जाए जाना ही जाना है। हम इतने भी कोई हाइकिंग के प्रोफेशनल नहीं थे, ना ही हमें कोई इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट थी हाइकिंग करने के, लेकिन यार जो सीन थे ना, उफ छोड़ दो सब कुछ, हमने कहा भाई जाना ही जाना है। सो जैसा कि 2nd of June को यहाँ पर इटली में इटालियन नेशनल हॉलीडे होता है, तो हमने प्लान बनाया कि चलो भाई चलते हैं। फिर हम अपने प्लान में इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम उस वक्त बैठ के बात करना, खाने पीने का कोई इंतज़ाम करना या फिर कोई और बात करना या कोई इंतज़ाम करना हाइकिंग के लिए, वो सब बातें डिस्कस करना भूल गए। लेकिन जो भी हुआ सब अच्छे के लिए नहीं हुआ, क्योंकि सुबह जब हम उठे तो तकरीबन 10 बज चुके हुए थे जब हम मिले। तब हमने एक छोटा सा नाश्ता किया मैकडोनल्ड से और फिर हम रवाना हो गए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीबन 1 आवर की ड्राइव थी। लेकिन सेम डे छुट्टी थी और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी और एक दो रास्ते में एक्सीडेंट भी हुए थे, तो हमें अपनी डेस्टिनेशन पर जाते जाते तकरीबन 2 से 2.5 से 3 घंटे लगे तकरीबन। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो तकरीबन 2 o'clock का टाइम हो चुका था। हमने कहा यार अब यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, अब थोड़ा सा आगे चल के जाना है, वापस आ जाएंगे, थोड़ा सा इंजॉय करके वापस आ जाएंगे बस, फिर वापस घर चले जाएंगे। लेकिन किसको पता था कि वो जो हाइकिंग है वो 5 घंटे की टोटल हाइकिंग है, 2.5 घंटे जाने की और 2.5 घंटे आने की प्रोफेशनल्स के लिए, और हम कहाँ के प्रोफेशनल। जो फिर भाई उस दिन हमारी जलालत हुई है, ना हमारे पास कुछ पीने के पानी था, ना हमारे पास कुछ खाने का था, लेकिन मैं और मेरे दोस्तों ने जो उस दिन रास्ते में जाते हुए लोगों को तंग किया, जैसा कि बोलते हैं ना कि पहाड़ों पर चढ़ना एक एक्साइटिंग और एडवेंचरस मोमेंट है, भाई वो हमने एक एक पल जिंदगी का उसमें गुजारा था। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें पहाड़ से उतरती हुई 2 लेडीज़ नज़र आई। हमने उनसे पूछा कि यहाँ से ऊपर समिट पर जाने का कितना टाइम लगेगा, पहाड़ के ऊपर चोटी पर जाने का कितना टाइम लगा, कि जो हमने सीन देखा हमने वो देखना था, इसलिए हमने उनसे पूछा कि भाई कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप आराम से जाओगे तो फिर 1.5-2 घंटे, अगर आप सही तेज़ चलते जाओगे तो फिर आपके लिए, आप तो नौजवान हैं, आपके लिए 1.5 घंटा। लेकिन हम ठहरे शहरी बाबू, मम्मी डैडी बच्चे, और तो और हमने कोई हैकिंग वाली ड्रेसिंग भी नहीं थी पहनी हुई। एक ने ड्रेस शर्ट पहनी हुई है, एक ने वैसे हुडी पहनी हुई है कि ऊपर सर्दी होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन भाई जैसे जैसे हमने हाइकिंग स्टार्ट की तो पहले ही 5 मिनट में हमारे तो बस हो गई, हमारे हौसले पस्त हो गए,
हमने कहा भाई अब इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। वहाँ पर एक जगह पे बैठे ही थे कि हमें एक काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग आते हुए नजर आए। हमने कहा भाई अगर ये जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। हमने टाइम का भी नहीं सोचा, हमने कुछ भी नहीं सोचा, हम थोड़ा सा और चले। फिर हम थक हार के बैठ गए क्योंकि वहाँ पर जंगल था और ऊपर जो थी ये टॉप ऑफ द माउंटेन जो था वो नज़र नहीं आ रहा था। फिर हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ से थोड़ा थोड़ा टॉप नज़र आना शुरू हो गया, माउंटेन की जो चोटी थी ऊपर वाली वो नज़र आनी शुरू हो गई। हमने कहा भाई इतनी ऊपर, इतनी ऊपर है, किसको पता था कि वो पहाड़ की ऊंचाई जो है वो 1660 मीटर है। हम जो कि 20 मीटर की पहाड़ी नहीं चढ़ सकते, उन्होंने हमने फैसला कर लिया था कि हमें ये आज ये पहाड़ चढ़ना है, भाई जो मर्जी हो जाए हमें आज ये पहाड़ चढ़ना ही चढ़ना है। और उसी दौरान हमने भी ठान लिया था कि भाई हम जो आज व्लॉग बना रहे हैं, हमने एक बहुदा सी हरकत की थी व्लॉग बनाने की, तो हमने भी जो प्लान बना लिया था कि भाई अब हमने व्लॉग बना लिया है, अब हमने व्लॉग शुरू कर लिया है तो अब हमें टॉप पर जाना ही जाना है, अब हमें टॉप पर जाना है तो जाना है। वहाँ पे जाके जो हमने उस इंस्टाग्राम की रील में जो देखा था हमें वो सीन्स देखने हैं। हालांकि हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना हम पानी ले गए थे, ना हम खाने को कुछ ले गए थे, ना ही हमारे पास कोई बैग था, ना ही हमारे पास कोई और ना ही हमारे पास कोई स्नैक थे। लेकिन हमने जो प्लान बना लिया हुआ था कि हमें भाई टॉप पे जाना है तो बस जाना है, हमारे पास माइंड में एक ही चीज़ थी कि टॉप पे जाना ही जाना है। अच्छा जी, हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट कर लिया है। वो हमारे राजा भाई नीचे गाड़ी को चेक कर रहे हैं कि अभी गाड़ी लॉक हुई या नहीं है, क्योंकि उनको बहुत डर लग रहा है। और वहाँ भाई ने अपने दो डंडे पकड़ लिए ऊपर जाने के लिए, ठीक है, दो डंडे, क्योंकि ये ट्रैवल जो है ना वो 1 घंटा बाद 30 मिनट का है, 1.5 घंटे का। अभी हमने टूटना ही टूटना है, टूटना ही टूटना है। अच्छा जी, अभी हमें सिर्फ चलते हुए 5 मिनट हुए हैं और ये आप रास्ते से चेक करें जहाँ से हमें ऊपर जाना है। हमारी गाड़ियाँ वो उधर खड़ी हैं, हल्की हल्की नज़र आ रही हैं अभी भी, ठीक है। तो अभी ऊपर हमको चल के जाना है इसी तरह ऐसे ही रास्तों से। अच्छा जी, तो नीचे हमने ना एक कुछ लोगों को से पूछा था कि जो रास्ता जाता है ऊपर मोंते दुए मानी रास्ता कैसा, उन्होंने कहा जी ये जो निशान है ना, ये वाला निशान, ये आपने फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है। अभी हमसे 5 मिनट अपने ट्रैकिंग के अंदर चले हैं और मेरा तो सांस फूल भी गया है, बाकी दो जो हैं वो मेरे आगे आगे चल रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी 1.5 घंटा हमने चलना है, 1.5 घंटा कैसे चलना है ये भी नहीं पता मुझे। ये जो दोनों मेरे आगे आगे चल रहे थे वो दोनों ही गायब हो गई हैं, वो नीचे चले गए वो तो। ये देखें जी, ये इस तरह के कुछ रास्ते हैं जो हम यहाँ से गुजर के जा रहे हैं। फर्ज करें इतना पत्थर अगर कहीं से ऊपर से गिर जाए तो फिर क्या बनेगा आपका। यहाँ पे नीचे मुझे पानी की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे कोई चश्मा चल रहा है छोटा सा, ठीक है ठीक है। यहाँ पे तो फूल कीचड़ हुआ हुआ है। ये हम बचत होगी, बचत होगी, बचत होगी। यहाँ पे भी एक छोटा सा चश्मा चल रहा है, ठीक है, लेकिन हमें बहुत ध्यान से चलना होगा क्योंकि अगर यहाँ पे पैर फिसलाना तो बहुत दूर जाके मैं कहीं पे गिरूंगा। अच्छा, तो मैंने जो अपने पास रखा हुआ है ना वो ये एक पानी की बोतल फुल है और एक पानी की बोतल छोटी है आधी है, और उन दोनों ने सिर्फ दो दो स्टिक्स उठाई हुई हैं बस चलने के लिए और कुछ भी नहीं। राजा के पास मेरे ख्याल से पानी की बोतल होगी, बाकी वो आपके भाई के पास पानी की बोतल कोई नहीं है, लेकिन हम चल रहे हैं। ये देखें ना, वो जो टनल आपको नज़र आ रही है ना, उस टनल में से हम गुजरे थे कोई आधा घंटा 45 मिनट पहले गाड़ी के में, और अभी हम इस तरह की कुछ व्यू देख रहे हैं। अभी हम चलते हुए सिर्फ 5-10 मिनट हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमें, लेकिन ना जैसा कि आप रास्ते को देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक इंसान के चलने की जगह है, क्योंकि बाकी इतनी ज़्यादा खुली जगह नहीं है। ये लें जी, एक हमें एक और चश्मा मिल गया रास्ते में।
उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे कीचड़ नहीं होगा। अगर कीचड़ होगा तो फिर कुछ फिसलने के चांसेस हैं यहाँ पे भी। हाँ, नहीं यहाँ पे फिर भी ठीक है, यहाँ पे पत्थर हैं कुछ, इतने डर की बात नहीं है। ठीक है, चलो 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 चलो। अच्छा तो ये हमने एक स्टॉप किया छोटा सा, ठीक है, लेकिन हमने जहाँ पे जाना है ना, वो ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक ना क्रॉस का निशान है जहाँ पे हमने जाना, जो हमारी डेस्टिनेशन है ये वाली। अभी हमें लोगों से पता चला था कि यहाँ पे जाते हुए 1.5 घंटा लगेगा आपको, लेकिन देखते हुए लगता है कि हमें जैसे हम जैसे चल रहे हैं 2 से 3 घंटे लाजमी लगेंगे। वो ऊपर जाना है हमने, पता नहीं कौन कौन से पहाड़ी से ऊपर से घूमते हुए, यहाँ पे किसी ने लिखा हुआ है GAM, हमें इसका पता नहीं ये क्या है, इसका मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने किसी ने ना एक छोटा सा नेक काम किया, यहाँ पे उन्होंने ये डायरेक्शन का भी दिया हुआ है। राजा भाई थक गए हो आप? राजा भाई थक गए, पानी पियो पानी पियो। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। हाँ, हम आपके साथ साथ हैं। चलो फिर इंशाल्लाह मेरी बस हो ऊपर जाके आपको बताते हैं। मैं जा रहा हूँ। अच्छा बाप भाई की बस हो गई अभी इतनी जल्दी? ठीक है रास्ता बस हो गई है। देखो अभी हमने वो ऊपर जाने, पीछे देखो पीछे देखो, आज हमें पीछे देखो देखो, इंशाल्लाह 2-3 घंटे लग जाएंगे, ऐसे स्टॉप होते रहेंगे। आपने तो यहाँ पे आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। रगासी योर रिवर फिली कासो दाई रगासी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर पहाड़ी के ऊपर ना मुझे कुछ बंदे नजर नजर आ रहे हैं यहाँ पे, वो छोटे छोटे जो है ना, मुझे तो बंदे लग रहे हैं, इंसान लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। हम भी मिलेंगे आपको ऊपर, चलो जी चलेंगे, चलो 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 बाप भाई चलो। अच्छा ये वंस अगेन हमने 2 मिनट का स्टे करके हमने फिर वॉकिंग शुरू कर ली है। ठीक है, अभी हम ऊपर जाके स्टे करेंगे, देखते हैं। अच्छा तो यहाँ से थोड़ी सी ना सतह हम आवाज़ शुरू होती है, मतलब कि थोड़ा सा डेंजरस रास्ता शुरू होता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं गिरा ना तो सिर्फ मेरे घिटने ही नहीं, मेरी बाजू भी छिली जाएंगी। ठीक है भाई। अच्छा तो ये हमें एक छोटा सा व्यू नज़र आया, आप पहाड़ियाँ ज़रा चेक करो। हमें तो अब ये भी नहीं पता हमारी गाड़ियाँ कहाँ पर खड़ी हैं, ये थोड़ी सी और हमें ट्रैफिक नज़र आ रही है बीच में, ये अभी उनको भी रास्ता देने के लिए हमें कहीं पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, हाँ या यहाँ पे थोड़ा सा चश्मा टाइप भी बना हुआ है, यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत कीचड़ भी हो, फिसलन भी हो। हाँ ये देखो जी, ये देखो जी, हमें ट्रैफिक और भी मिल गया। चलो ti avevo detto, ti avevo detto. Ciao. उनसे एक बार फिर हमने कंफर्म कर लिया, वही है टॉप जो वहाँ पे हमने जाना है। ठीक है, वो भी हमारी तरह ना स्टिक्स के बगैर जा रहे हैं, जैसे ये लो थोड़ी सी और ट्रैफिक हमें मिल गई, कहाँ पे खड़े हो रास्ते नीचे होता जा। चाओ, चाओ, चाओ। अभी जो टाइम है लोगों के वापसी जाने का, और हम जा रहे हैं ऊपर को। इस बात की मुझे भी समझ नहीं है क्यों हम ऊपर इस टाइम जा रहे हैं। ये रास्ते चेक करें आप। वाह भाई ध्यान से आना। राजा जी आप तो दौड़ने शुरू हो गए हो। वाह भाई बच गए। क्या हुआ? क्या बात की थी? वाह भाई की हार्ट बीट चेक करें, एप्पल झूठ नहीं बोलता। अगर वाह भाई की जो धड़कन है वो 154 की स्पीड पर जा रही है तो मर क्या होगा। ऊपर तो जाने जाना, अब हम एक दफ़ा रास्ते पे चढ़ गए, हमने ऊपर जाने जाना है। ये जी जैसे कि अब हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, लोग नीचे को आते हुए नजर आ रहे हैं। चाओ। मंग कौन किलोमीटर दाई?
एक किलोमीटर बाकी रह गया भाई। ये एक छोटा सा व्यू देखें जी, अभी हम पूरा एक घंटा बाकी रहता है पहाड़ी के ऊपर जाने के, जहाँ पे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ से व्यू है, हमने वो ऊपर जाना है, अभी आपको लोग नज़र आ रहे हैं। ये देखो जी, अब हम नीचे को आ रही है, हम अभी भी ऊपर को जा रहे हैं। आखिरकार हमने जो 45 की मिनट की हैकिंग थी वो 1 hour and 30 minutes में वहाँ तक की, जहाँ तक लोग 45 मिनट में कर रहे थे। जब हम उस जगह पे पहुँचे तो वहाँ का भाई जो पैनोरामिक सीन था, जो हरियाली थी वहाँ पे, वो देख के तो भाई दिल लश पश हो गया एक दफ़ा। तो हमने तो फिर फैसला कर दिया कि भाई आज शाम, अगर रात 12 बजे भी हमें नीचे वापस आना तो पड़ा तो हम आएंगे, लेकिन एक दफ़ा ऊपर लाजमी जाएंगे। हमने आधा फॉरेस्ट क्रॉस कर लिया था, वहाँ पे एक सीन आया था, हमने वहाँ पे बैठ के रेस्ट की, चिल मारी। 1.5 घंटा हमने पहले हाइकिंग की, आधा घंटा हमने वहाँ पे बैठ के रेस्ट मारा। जब हम फुली फ्रेश हो गए तो तब फिर हमने दोबारा ऊपर जाने का सोचा। वहाँ से देखने को तो बस ऊपर इतने छोटे छोटे इंसान नज़र आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो सीन थे भैया जी, उफ। अच्छा जी, तो ये देखें, ये जो है ना रोड, ये वाला, ये यहाँ पे हमारी तकरीबन गाड़ी खड़ी है, लेकिन हम देखें कौन सी डेस्टिनेशन पर पहुँचे हैं। पहले हमने वहाँ पे स्टे किया था, ठीक है, और इधर की उधर देखें वहाँ पे और भी मकान से हैं, लेकिन हमारी जो डेस्टिनेशन है वो तो सीधी पहाड़ी है एक, ये कुछ ऐसे। यहाँ पे हमने ऊपर जाना, वो ऊपर नीचे जैसा कि फॉरेस्ट था तो वहाँ पे लेफ्ट राइट करके हम ऊपर तक आ गए थे, लेकिन जो ऊपर वाला फॉरेस्ट था वो भी हमने उसी तरह क्रॉस कर लिया। उसके ऊपर एक पहाड़ी का ये सीन था, ये वाला 95 से 85 के एंगल पे जा रहा था, 80-85 का एंगल जा रहा था वहाँ से, और हमने यहाँ पे करा ऊपर जाना था। और जब हम उस लेवल पे पहुंचे तो हमें महसूस हुआ कि भाई यहाँ पे तो बहुत तेज हवा चल रही है, कभी हवा तेज चलना शुरू होती थी, कभी हवा आहिस्ता हो जाती थी, लेकिन वहाँ पे जो एक्साइटमेंट का लेवल था, सांस फुल फूला हुआ था, वहाँ पे जो ऑक्सीजन हमें महसूस हो रहा था कि जैसे हमें अभी 1000 meters पे ही ना हमारी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। लेकिन वहाँ पे भाई जो सीन था, वो जो एक्साइटमेंट थी वो पहाड़ पे चढ़ने की, भाई उसके आगे कुछ भी हमें नहीं दिखा, लेकिन हम चढ़ते गए, बस चढ़ते गए। से हम आए ऊपर से चढ़ते हुए, अभी हमने यहाँ से इधर को होते हुए ऐसे वो रहा जी, हमारी डेस्टिनेशन जो है वो जो क्रॉस लगा हुआ है, हमने वहाँ पे जाना है, वो सामने जो डेस्टिनेशन है हमारी, ये है जी हमारी डेस्टिनेशन। यहाँ पे और भी लोग होंगे, लेकिन हाँ वहाँ पे जाना है। ये नीचे जो रोड्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन रोडों से हमारी गाड़ी गए, हमने गाड़ी गुजारते हुए वहाँ पे गाड़ी अपनी पार्क की है। यहाँ पे इतना था मुझे सांस फूला हुआ, मैं आपको बात भी नहीं हो रही है मुझसे तो, ठीक है। ये नीचे एक सिटी है और उधर वो लेक, लैको है, लैको की साइड पे ये लेक है, ठीक है, और वो हमारी डेस्टिनेशन है। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मैंने आज तक ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी जो है ना, हम 2 घंटे की हाइकिंग की है, 2 घंटे पूरे 2 घंटे की, तब जाकर हम इस डेस्टिनेशन पर पहुँचे हैं। अभी जितनी मुझे उम्मीद है ना, वापसी जो भी जाते हुए हम उधर से गुजरते हुए जाएंगे, वो जो साइड जा रही है ना, उधर से हम नीचे को जाएंगे, क्योंकि हमने ये साइड तो देख लिया, अभी हमें उस साइड से जाके जाते हुए देखना, वो आप नीचे लोगों को देख रहे हो, हम वहाँ से गुजरते हुए नीचे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचे हैं, ये जो हमारी लोकेशन थी, ठीक है। तो यहाँ पे और भी आवाम जो है ना वो बैठी हुई है, रेस्ट मार दी है, क्योंकि वो भी
हमारे तरह दो तीन घंटे लगा के हाइकिंग करते हुए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इसलिए ना ये चीज़ चाहो। अच्छा ये जो है ना लोकेशन, यहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी मोनूमेंटल जो है ना, ये जो प्लेस है ये उन्होंने किसी की मेमोरी में बनाया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने दो तीन बंदों के नाम भी लिखे हुए हैं, अब मैं आपको क्या पढ़ के दिखाऊँ, ठीक है। यहाँ पे नाम भी उनके लिखे हुए हैं, ये किसी की मेमोरी में उन्होंने बनाई थी 1991 में, यहाँ पे 1963 भी यहाँ पे उन्होंने एक डेट दी हुई है, बाकी पता नहीं है। यहाँ पे उन्होंने एक क्रॉस बनाया हुआ है, यहाँ पे जो लोग आते हैं ना उन्होंने अपनी कुछ ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं, और वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें भी छोड़ी हुई हैं, पता नहीं किसने छोड़ी हैं, क्यों छोड़ी हैं। यहाँ पे पेन वगैरह भी पड़ा हुआ है, कॉपी भी पड़ी हुई है, ये एक बहुत ही प्यारा स्टोन पड़ा हुआ है, यहाँ पे लोगों ने अपनी मेमोरीज यहाँ पे छोड़ी हुई हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। ये लोकेशन है जी, यहाँ से निकले ये। इस साइड वाली जो है ट्रैक है ना हाइकिंग के लिए, वो भी बहुत प्यारा सीन है, लेकिन यार वो थोड़ा डेंजरस सा लगता है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सीधी सीधी हैं, इसलिए वो बहुत डेंजरस लगता है। ये जो आपको लेक नज़र आ रही है ना, ये लेक लैको है, और उसके टॉप पे हम यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है। अभी बाद में अगर हमें चांस मिला तो हम यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने बनानी है, वो बनवाऊँगा मैं लाजमी, ठीक है। तो अभी हम इधर को जा रहे हैं, चलो देखते हैं इस साइड पे क्या है। अभी ये चीज ये देखो जी लोगों को, ये जो अब हम पहाड़ियों को टॉप टॉप जो है ना फतह करते हुए ऊपर आए हैं, ये जो लोग हैं ये दूसरी ये इस सिटी लैको से आए हैं, ये उस साइड से नहीं आया जहाँ से हम आए, क्योंकि हमारी गाड़ी वहाँ पे जंगल में खड़ी है। Every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. वो जब हमने 3 घंटे की हाइकिंग करके वहाँ टॉप पे पहुँचे, वहाँ पे पहाड़ के एक कोने से लेकर दूसरे कोने में जाने का जो सीन था भाई, उनके लिए अल्फाज ही नहीं है भाई, आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। जब हम तीनों दोस्त वहाँ पे ऊपर पहुँचे और हमने जब सीन्स देखे भाई, हमने कहा आज तो पैसे सारे के सारे पैसे पूरे हो गए। हमने कहा भाई जितनी मुश्किल के साथ हमने ये हाइकिंग की है उसकी फुल मज़े अब लेने का टाइम है। हमने वहाँ पे बैठ के तकरीबन कोई घंटा डेढ़ और सुकून के साथ बैठे हम वहाँ पे, हमने फुल रेस्ट की, और उसके बाद हमने वापस आने का सोचा। अच्छा जी हम वो ऊपर से आए, वहाँ पे मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया, ठीक है। अभी हम नीचे को जा रहे हैं, ये एक स्टॉप का निशान हमें नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि मेरे जो फ्रेंड है वो मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। ये हमें तकरीबन कितने आधा घंटा हुआ चलते हुए है ना, घंटा हुआ यही पाँच जान। चार पाँच सुबह पाँच हम चले थे, टाइम क्या हुआ है 40 मिनट पूरे, 45 मिनट हो गए फिर हमें चलते हुए। लेकिन ना नीचे उतरते हुए ना ऐसे हम जंगल में से गुजरते हैं, लेकिन ना जो टाइम है ना वो बहुत जल्दी पास होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती है। सीन कुछ जैसा ही है बस भाई, ये बहुत ही प्यारा सा जंगल है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। तो भाई जैसे तैसे करके हम नीचे पहुँचे, हमने जो हमारा जो गाड़ी में पानी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था हमने वो तो सेकंडों में ख़त्म किया। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से पूछा, हाँ भाई स्वाद आया होना। हमारे साथ जो एक थे राजा जी और एक थे वहाब भाई, उन दोनों ने भाई कह दिया आज के बाद अगर तूने हाइकिंग का नाम लिया हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन उस वक्त तो मैंने भी ये कह दिया भाई बस आज के बाद कभी हाइकिंग नहीं करनी। लेकिन आज 8-10 महीने बाद मैं अगर उस सीन को दोबारा सोचता हूँ, उन मूवमेंट्स को दोबारा सोचता हूँ, उन मूवमेंट्स को दोबारा लीव करने की सोचता हूँ, तो भाई दिल करता है कि पहाड़ों में एक घर हो। अगर आज भी मुझे कोई टाइम मिला और मुझे जाने का मौका मिला कहीं पे हाइकिंग करने के लिए,
मैं तो भाई लाजमी जाऊंगा, क्योंकि जो मेरा उस टाइम का एक एक्साइटमेंट अभी माइंड में चल रही है ना, वो नहीं खत्म होगी, वो नहीं खत्म होगी। तो अनटिल द नेक्स्ट टाइम, इजाज़त।